तो स्वागत है आपका कोड कोडरेड में और ये दूसरा लेक्चर है इस कोर्स का इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन तो चलिए शुरू करते हैं सो बेसिकली व्हाट आर पाइथन वेरिएबल्स अ वेरिएबल इज अ कंटेनर फॉर अ वैल्यू इट कैन बी असाइंड अ नेम यू कैन यूज इट टू रिफर टू इट लेटर इन द प्रोग्राम सो बेसिकली ये क्या है एक कंटेनर है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल एज इक्वल्स टू फाइव तो ये क्या है ए क्या है एक कंटेनर है जिसमें हम फाइव जो वैल्यू स्टोर करते हैं जिसको हम बाद में कहीं पे यूज कर सकें जैसे कि मैं अगर यहां और बाद में मैंने इसे कराया प्रिंट ए तो यहां पे मैंने क्या किया ए को स्टोर पहले फाइव को स्टोर किया ए में और फिर उसकी वैल्यू प्रिंट कराई ए से तो जो वेरिएबल होता है वो बेसिकली एक कंटेनर होता है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे होता है और जो डेटा होता है वो राइट हैंड साइड पे होता है तो मैं आपको बता दू मैं प्रोग्राम रन कराने के लिए ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहा हूं आप कोई सा भी कंपाइलर यूज कर सकते हैं कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें आप आ, कोई आपने अगर डाउनलोड किया है तो आप वो यूज करें नहीं तो कोई ऑनलाइन यूज करें उससे कोई भी मतलब नहीं होता है मेन मतलब होता है लॉजिक से लॉजिक क्लियर होना चाहिए बस तो मैं इसकी इस कंपाइलर के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप वहां से रेफर कर सकते हैं इसको तो आगे बढ़ते हैं वेरिएबल तो आपको समझ में आ गया होगा और मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो मैं नोट्स देता हूं ये सारे नोट्स जो है इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप प्लीज ये रिफर कीजिए और मैं कहूंगा आपसे कि आप पेन से भी नोट्स बनाइए क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में जाती हैं चीजें आसानी से तो प्लीज आप कोशिश करिए कि आप लिखें तो चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं पाइथन वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल्स का जो नेमिंग रूल है वो क्या है तो पाइथन वेरिएबल्स जो हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं ए से जेड कैपिटल या स्मॉल लेटर में किसी से भी या फिर अंडर स्कोर से स्टार्ट हो सकते हैं यानी कि अगर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज कर रहे हैं एट द रेट या फिर नंबर यूज कर रहे हैं तो वो गलत होगा अगर आप असाइन कर रहे हैं A equals to five सही है कैपिटल ए अंडर स्कोर है ये सब सही है पर वन ए अगर आपने कर दिया या फिर एट द रेट ए या फिर एट द रेट तो वो क्या हो जाता है रॉन्ग हो जाता है तो ये पहला जो है रूल वो ये कहता है दूसरा रूल क्या कहता है द द रेस्ट ऑफ आइडेंटिफायर में contain letters. मतलब जो बाकी के अब शुरू तो हो गई है मतलब आपने शुरू कर दिया है लेकिन अब जो बाकी है कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर या फिर अंडर स्कोर या और यहां पे जब नंबर भी हो सकता है जीरो टू नाइन कोई भी नंबर हो सकता है जैसे कि यहां पर देखिये एवन है या फिर एवन अंडर स्कोर इक्वल टू टेन तो ये सब क्या है सही है ये क्या कर रहा है ये एक आ, क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे क्या वेरिएबल और राइट साइड क्या है डेटा तो हम ये इस डेटा को वेरिएबल में डाल रहे हैं तो ये एकदम सिंपल सी बात थी पाइथन इज केस सेंसिटिव एंड सो पाइथन सो आर पाइथन आइडेंटिफायर्स नेम एंड नेम आर टू डिफरेंट आइडेंटिफायर्स तो क्या होता है कि पाइथन जो है केस सेंसिटिव केस सेंसिटिव किसे कहते हैं जैसे कि स्मॉल ए जो है पाइथन के लिए कुछ और है और कैपिटल ए कुछ और है यानी कि वो मतलब केस सेंसिटिव है अगर केस इनसेंसिटिव होता तो स्मॉल ए कैपिटल ए को एक ही जैसा वो रीड करता लेकिन यहाँ पे केस सेंसिटिव है तो ए कुछ और है और कैपिटल ए कुछ और है यानी ए इज टू है और कैपिटल ए इज एक्वल्स टू टेन है तो अगर हम प्रिंट कराते हैं स्मॉल ए तो आउटपुट देगा फाइव लेकिन अगर प्रिंट कराते हैं कैपिटल ए तो आउटपुट देगा टेन ये मैं आपको दिखा देता हूँ करके तो देखिए पहला जो है फाइव आया फिर आया टेन जैसा कि मैंने यहां भी लिखा भी है अब देखते हैं असाइनिंग एंड रीअसाइनिंग पाइथन वेरिएबल्स यानी कि टू असाइन अ वैल्यू टू पाइथन वेरिएबल्स यू डोंट नीड टू डिक्लेयर इट्स टाइप तो मैं बताना चाहूंगा जिनकी पाइथन पहली लैंग्वेज है कि आपको जो है पाइथन का डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है लेकिन अगर आपकी पाइथन दूसरी है तो आपको पता होगा तो तो उसके बाद प्रिंट कराते हैं ऐसे लिखते हैं इंट ए या फिर अगर कैर प्रिंट कराना जो भी डेटा टाइप है लेकिन अगर ये पाइथन में हमें नहीं कराना पड़ता पाइथन अपने आप रीड कर लेता है ये इंट है फ्लोट है स्ट्रिंग है क्या है तो ये नहीं कराना पड़ता है और अगर मैं अभी ये आपको रन करके दिखाऊं इसमें क्या है पहलेक्स टू फाइव था प्रिंट ए लेकिन जब एक्वल्स टू कोड है यानी कंटेनर ये ऐसा A, मतलब है मतलब वेरिएबल जो ऐसा कंटेनर पहले फाइव डाला लेकिन जब हम इसमें कुछ और डालेंगे इस कंटेनर में तो जो पहले वैल्यू थी वो अपने आप डिलीट हो जाएगी और जो दूसरी वैल्यू आएगी वो उसको रिप्लेस कर देगी तो पहले मैंने प्रिंट ए प्रिंट कराया तो आया फाइव लेकिन उसके बाद प्रिंट ए अगर मैंने फिर ए प्रिंट कराया तो आया क्या कोड क्योंकि अभी मैंने क्या डाल दिया इसमें कोड वैल्यू डाल दी है एकदम सिंपल सी बात थी कैसे हुआ यहाँ ये स्ट्रिंग है ये सब

आप सपोज आपका दस लाइन का कोड है आपका नौ लाइन का कोड सही है और दसवे पे गलत है तो नौ लाइन तक आपका कोड चलेगा तो इंटरप्रेटर बेसिकली इसको ही कहते हैं अब आते हैं पाइथन डेटा टाइप्स पे वी डोंट हैव टू डिक्लेयर अ टाइप यानी कि आ, अभी मैंने आ जैसा कि बताया है कि डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता पाइथन वेरिएबल्स का लेकिन डेटा टाइप तो होता ही है ना तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ टाइप फंक्शन टाइप फंक्शन क्या होता है ये बेसिकली आपको टाइप बताएगा कि, कि किस टाइप का ये डेटा है जैसे कि ये, ये देखते हैं एक्स इजिकल टू टेन अगर मैं इसका टाइप जानना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं प्रिंट टाइप ऑफ x अब ये देखिए हमें भी पता है ये इंट है तो यहां पे क्या बताया ये इंट है अगर ये फ्लोट होता सपोज टेन पॉइंट फाइव होता तो क्या डेटा आता क्या आउटपुट आता फ्लोट अगर ये स्ट्रिंग होता कोडरेड तो ये क्या आएगा स्ट्रिंग तो ये बेसिकली जो टाइप फंक्शन है ये मतलब डेटा का हमें टाइप रिटर्न करता है

यहां पे देखिए 5.5 है तो ये क्या है फ्लोट है और ये क्या है फाइव है सिर्फ तो इंट है अब लॉन्ग में क्या होता है पाइथन डेटा अ लॉन्ग इंटीजर ऑफ अनलिमिटेड लेंथ यानी बहुत ही ज्यादा अगर हमें यूज करना है बहुत ही बड़ी लेंथ यूज करनी है तो हम लॉन्ग यूज uh, करते हैं यानी लेकिन हमें मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको ये बस ये दिया गया है कि बहुत ज्यादा अगर बड़ा डेटा है तो हम लॉन्ग यूज करेंगे और कॉम्प्लेक्स में क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा होगा जिसमें इमेजिनरी आता है तो वो यूज करते हैं अभी अगर इसका आप अगर डेटा देखेंगे एज इक्वल टू टू प्लस थ्री जे का तो चलिए ये भी देख लेते हैं रन क्यों नहीं हो रहा हाँ रन हो गया क्या आया कॉम्प्लेक्स तो ये क्या है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है अब आते हैं फिर आता है इसमें क्या स्ट्रिंग्स

अब स्ट्रिंग में क्या होता है दो तरह से आप स्टोर कर सकते हैं एन आ, मतलब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, ये कॉमा क्या है अगर दो दो वेरिएबल है और मैं कॉमा लगा देता हूं तो दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू है वो प्रिंट कराते ए, एक लाइन में तो ये कॉमा इसलिए यूज होता है मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे क्या कोडरेड और पाइथन नेम में कोडरेड और एन में पाइथन देखिए जबकि मैंने इसमें क्या सिंगल uh, कॉमा यूज किया और इसमें डबल कॉमा यूज किया तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं आप जो स्ट्रिंग है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी स्टोर कर सकते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी स्टोर कर सकते हैं तो बस ये इतना ही था वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन ये मैं नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप प्लीज इसको रिफर कीजिए और इसके बाद में क्या कर सकते हैं पाइथन में एक और खासियत है पाइथन की कि हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं डेटा टाइप यानी स्ट्रिंग से एंड कर सकते हैं एंड से स्ट्रिंग कर सकते हैं तो वो मैं आप, आपको अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया